भाई साहब एक बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम हो चुकी है मेरे साथ, पर हो सकता है आपके साथ भी कभी हो सकता है। कैसे सॉल्व करोगे? आपको जीमेल अकाउंट तो याद ही नहीं आपका, अपना जीमेल अकाउंट कैसे निकालोगे? आप अपना ओल्ड जीमेल अकाउंट कैसे पता करें? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप लोग सीख लीजिए, बहुत काम का आएगा आपके वीडियो ये वाला। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो मनीष एडवाइस, हम आपके लिए और भी शानदार वीडियो आगे लाएंगे इसी चैनल पर। इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लेना, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं देखो गूगल अकाउंट पर हूँ, यहाँ पर पहुँचने के लिए आप यूट्यूब से प्ले स्टोर से भी आ सकते हैं डायरेक्टली, कोई बात नहीं। और इसके बाद भाई सिंपल करना क्या है कि अगर आपका अपना ओल्ड जीमेल अकाउंट भूल चुका है, याद ही नहीं है भाई साहब, अपनी आईडी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, पासवर्ड तो आप फॉरगेट कर सकते हैं बट जीमेल ही याद नहीं है, सो करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको फॉरगेट जीमेल पर क्लिक करना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, चूँकि आपको यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट याद नहीं है तो करना क्या है, यहाँ पर देखो लिखा फाइंड योर ईमेल। अभी यहाँ पर देखो आपको वो फ़ोन नंबर एंटर करना है जिस फ़ोन नंबर से आपने जीमेल अकाउंट बनाया था। अभी आपको इतना तो पता होगा कि आपने किस फ़ोन नंबर से जीमेल अकाउंट बनाया था। अगर याद नहीं भी है तो आपके पास मल्टीपल फ़ोन नंबर आपके पास पड़े हैं घर पर, आपके दो फ़ोन नंबर होंगे, तीन होंगे, फैमिली मेम्बर के हो सकते हैं, तो आपको ट्राई करना है, उस फ़ोन नंबर को एंटर कीजिए। हम सिंपल यहाँ पर आप भाई हमने फ़ोन नंबर एंटर कर दिया, अभी आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस तरीके से हमने यहाँ भी क्लिक कर दिया। अभी ये जो टॉपिक आ चुका है व्हाट्स यूर नेम, यहाँ से ही अपने जीमेल एड्रेस को पता कर पाओगे आप, जो भी आपका जीमेल आईडी है, क्योंकि नाम के बाद कुछ स्पेशल करेक्टर या नंबर्स भी लड़े होते हैं, हमें याद नहीं होता क्योंकि हम लॉगिन नहीं कर पाते हैं। भाई यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम एंटर करना। अब इतना तो पता ही होगा कि आपका जो जीमेल अकाउंट है आपने किस नाम से बनाया था, हो सकता है आप अपना नाम से बनाए हो जीमेल अकाउंट, किसी के नाम से बनाए हो, या फिर यूट्यूब चैनल, जो भी आप बना सकते हो, किसी भी चीज़ का भी आप नाम से बना सकते थे, वो आपको पता होगा। चलो मुझे एक नाम यहाँ पर याद है, कान्हा बर्मन जी नाम से मैंने एक जीमेल अकाउंट बनाया था, लेकिन वो नाम होता है जीमेल का, जीमेल एड्रेस अलग होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं चलो नाम एंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कान्हा बर्मन जी डाल दिया, अगर मैं यहाँ पर जी हटा भी दूंगा तो भी मेरा जीमेल अकाउंट ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है, जो पुराना था ओल्ड वाला वो मुझे पता हो जाएगा। अभी सिंपल आपको नेक्स्ट पे इस तरीके से क्लिक, हमने भाई क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखो लिखा दिस माई टैग ऑफ फाइव फोन नंबर। अभी यहाँ पर देखो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, अभी सिंपल आपको कंटिन्यू पर फिर से क्लिक करना। इस तरीके से हमने क्लिक कर दिया, अभी एक छोटा सा लोडिंग चलेगा। देखो भाई यहाँ पर एक जीमेल अकाउंट आ चुका है, देखो ये कान्हा बर्मन नाम से जीमेल आईडी था, बट इसका जीमेल अकाउंट देखो क्या है, कान्हा बर्मन लास्ट में लिखा YT यूट्यूब, ठीक है ना। तो ये मुझे प्रॉपर मेरा जीमेल अकाउंट याद आ चुका है, मुझे भाई लग रहा था ऐसा अंदर से कि यार मेरा जो जीमेल अकाउंट वो कान्हा बर्मन जी ही होगा पूरा बिना स्पेस दिए, बट आईडी नहीं खोल पा रही थी, मुझे अब याद आ चुका है कि मेरा जो आईडी था जीमेल था वो मेरा कान्हा बर्मन YT था। तो नाम से आप अपना जीमेल एड्रेस पूरा फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब करना क्या है खोलने के लिए, इजी यार, आप इस पर अगर क्लिक कर दोगे इस तरीके से, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर पासवर्ड आ चुका डालने के लिए, कोई बात नहीं, आप फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर OTP फ़ोन नंबर वेरीफाइड होगा, अपना पासवर्ड आप यहाँ पर बना के नया, देखो यहाँ पर लिखा अपडेट पासवर्ड, मैं इस पर क्लिक करूँगा इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आ चुके हैं, न्यू पासवर्ड, पासवर्ड जल्दी से बना देता हूँ। पासवर्ड वही बना दिया, अब सिंपल नीचे आएंगे, ये हमारा पासवर्ड बन के तैयार हो चुका है। सिंपल भाई यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है, नहीं ठीक है, नया पासवर्ड हमको बन के मिल चुका है। और आप इसको आप YES I am in पर क्लिक करके, मतलब एग्री करके, इस तरीके से अपनी आईडी को आप लॉगिन कर सकते हैं जीमेल अकाउंट। सो अगर आपकी आईडी भूल चुकी थी जीमेल अकाउंट, सो मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाया, मेरा जो जीमेल अकाउंट वो लॉगिन हो चुका है। तो इस तरीके से आप जीमेल अकाउंट को ढूंढ सकते हैं, पुराना ओल्ड जीमेल अकाउंट जो आपको पता नहीं था भाई साहब, और उसको लॉगिन भी इस तरीके से कर पाएंगे। मैंने आपको सामने ही ढूंढ के दिखा दिया, उसका पासवर्ड बता दिया, देखो ये मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है। तो वीडियो कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मनीष एडवाइस, हम आपके लिए और भी बेहतर शानदार वीडियो जीमेल के बारे में आगे भी लाएंगे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो पर।